वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। इसमें हम जानेंगे बैटरी क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कौन कौन से कंपोनेंट मिला के बैटरी बनता है, कितने प्रकार की बैटरी होती है और कौन सा बैटरी आपके इन्वर्टर के लिए सबसे बढ़िया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम जानते हैं बैटरी होता क्या है। बैटरी एक डिवाइस है जिसमें हम पावर को स्टोर करके रखते हैं और इसका यूज तब हम करते हैं जब हम ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं है। अब हम समझते हैं बैटरी काम कैसे करती है। इसको समझने से पहले बैटरी की बनावट को समझना जरूरी है। बैटरी में जनरली दो टाइप के प्लेट लगे हुए रहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और इसका जो करंट जो फ्लो होता है पॉजिटिव से होते हुए निगेटिव की तरफ बढ़ती है। जब बैटरी को हम चार्जिंग में लगाते हैं, चाहे उस इन्वर्टर या डायरेक्टली हम सोलर पैनल से हम चार्ज में लगाते हैं, तो इसमें जो करंट की जो फ्लो होती है पॉजिटिव से होते हुए निगेटिव की तरफ चलती है। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं बैटरी कौन कौन से कंपोनेंट मिला के बनती है। तो इसको समझने के लिए मेरे पास है एक बैटरी जिसको हम खोलेंगे और देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट इसमें लगाया हुआ है। इसमें जो इसमें मल्टीपल कैप लगा हुआ रहता है और ये अब इसको हम पलट देते हैं। ये लगता है नॉर्मल पानी जैसा है क्योंकि एसिड में, जैसा हम जानते हैं कि एसिड गिरने पर मतलब ये बैटरी भी थोड़ा सा खराब हो गया, इसलिए हम इसको खोले हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो बैटरी में यदि हम कंपोनेंट की बात करें तो इसमें एसिड रहता है जो इसको चार्जिंग के लिए डाला जाता है। तो पहला तो ये है, एक है कि इसमें एसिड डाला हुआ रहता है। अब इसमें जो दूसरी कंपोनेंट है वो है इसका बॉक्स। बॉक्स देखें तो हर बैटरी की साइज अलग अलग होती है और जनरली बैटरी की बॉक्स लगभग 5 kg की बॉक्स होता है। उसके बाद आता है इसमें जो हैंडल रहता है। छोटी बैटरी में इस टाइप की हैंडल है और बड़ी बैटरी की हम बात करें जो 150 एम्पियर में आता है वो प्लास्टिक की हैंडल आता है। उसके बाद है ये दो टर्मिनल जो पॉजिटिव और निगेटिव है। अब इसको खोलने के लिए हमारे पास है टेक्निकल से सिमरन और आकाश, जो बैटरी को खोलना थोड़ा सा हार्ड है। सो बैटरी ये खुल गया है। इसमें एक दोनों साइड से लॉक है जिसको हैमर और पेचकश ये सब की मदद से इसको खोला गया है। अब इसको हम करते हैं ओपन। अभिषेक बताइए इसके बारे में, डिटेल में बताइए कि इसमें है क्या। ये जो हमारी बैटरी है इसमें ये हमारे 6 cells हैं। अच्छा, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, और एक सेल का वोल्टेज जो रहता है वो 2 volts का रहता है। ओके, तो ये सेल्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं जिसकी वजह से ये बैटरी जो है 12 वोल्ट की बनती है। ओके, इसमें कंपोनेंट कौन कौन सा लगा हुआ है। इसमें अभी आपने टर्मिनल्स तो जो निकाल दिए हैं। हाँ, ये टर्मिनल है। हाँ, वो टर्मिनल्स हैं।
अब अंदर भी सेल्स के टर्मिनल्स हैं, सेल के जो टर्मिनल हैं वो जो एक सेल का पॉजिटिव है वो अगले सेल के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ओके, अब ऐसे ही अगले सेल का जो पॉजिटिव है वो नेक्स्ट सेल के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ऐसे करके सीरीज में लगा हुआ है। तो एक हमारे पास इस तरफ जो टर्मिनल आया वो नेगेटिव रहा, इस तरफ जो टर्मिनल आया वो पॉजिटिव रहा। किसी एक सेल को निकाल सकते हैं? हाँ, निकालिएगा। ये हमारे वॉल से, प्लास्टिक वॉल से सेपरेट करने के लिए ये सिंपल हमारे इंसुलेटर्स हैं जो हमारी मेटल प्लेट्स को वॉल से थोड़ा सा दूर रखते हैं। अच्छा, ये मेटल प्लेट है? हाँ, ये मेटल प्लेट है रबर के समान। इसमें दो इसके अंदर भी कुछ है? हाँ, ये आपका मेटल है। अच्छा अच्छा, इसमें दो कंपोनेंट निकल रहा है, ये है क्या एग्जैक्टली दोनों? ये आपका सिंपल रबर केसिंग है जिसके अंदर आपका मेटल रखा हुआ है। इसको वैसे ये मेम्ब्रेन होती है। ओके। इस मेम्ब्रेन के थ्रू चार्जेस पास होते हैं। ओके, ठीक है। ये क्या है? लेड का मटेरियल। अच्छा, ये मेन ये है? ये है आपका मेन। ओके, एक होती है आपकी कार्बन की, एक होती है आपकी लेड की। ओके, ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है, काफी हैवी दिख रहा है, ये है क्या? जो आपका मटेरियल सोक करता है, ये है आपका मटेरियल सोक करने का। इसमें आपका जो इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड रहता है, इलेक्ट्रोलाइट के कंपोनेंट्स फिल रहते हैं इसमें। ओके, इससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ओके, ये आपका इसमें डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो ये सभी जो कंपोनेंट है वो इंडिया में बनता है या इंडिया से बाहर का रहता है? ये मोस्टली अभी क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी, तो इंडिया का ही होता है। अच्छा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है पूरा, कम्प्लीटली प्रोडक्ट होता है। ओके, गुड। सो इसमें फ्रेंड्स, इसमें अब कुछ नहीं है, एक सेल में सिर्फ आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा पानी इसमें गिरा है, तो ये कंप्लीट एक बॉक्स बना हुआ है। यदि आप ऐसे ही बड़े बैटरी को भी खोलेंगे तो ऐसे सेल दिखेगा जनरली बैटरी का, और एक दो और इसमें इसी तरीके से कंपोनेंट बनाया हुआ रहता है। और बड़ी बैटरी की बात करें तो ये सब हैवी कैपेसिटी का होता होगा, इन सब की रेटिंग्स बढ़ जाती है, रेटिंग और साइज दोनों बढ़ जाता है। तो लगभग कंपोनेंट बैटरी के अंदर यही रहता है, और ये मैनुअल कोई जल्दी कर नहीं सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं बैटरी मार्केट में कितने प्रकार के उपलब्ध हैं। देखिए, बैटरी आज का नहीं है, बैटरी बहुत पुराना, मतलब काफी हम बोल सकते हैं बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है। और बैटरी अपने घड़ी से लेके मतलब कार्गो, शिप कार्गो है वहां तक बैटरी का यूज किया जाता है। तो लेकिन बैटरी की जो टाइप है समय समय पर बदलता जा रहा है। जैसे कि यदि हम पुरानी बैटरी की बात करें तो लीड एसिड बैटरी या SMF बैटरी, ये दोनों एक ही कैटेगरी है, लेकिन थोड़ा सा इसकी बनावट डिफरेंट है। लेकिन अब की हम बात करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बैटरी के, तो वो लिथियम बैटरी है जो आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। जब भी बैटरी खरीदते हैं तो बैटरी की बेसिक क्वेश्चन, कितने घंटे का बैकअप देगा, कितने साल की वारंटी होगा, कितने कैपेसिटी का है, इन सभी का क्वेश्चन माइंड में रहता है। तो सबसे पहले जो बैकअप, सबसे पहले हम जानते हैं बैकअप कितने घंटे बैकअप देगा। तो इसको समझने के लिए आपको फंडामेंटल समझना जरूरी होगा कि हम अपने घर में कितने वॉट का लोड कंटिन्यूअस हम चला रहे हैं पावर जाने के बाद। तो सपोज एक नॉर्मल घर में जो अब होम अप्लायंसेस जो होता है 200 वॉट से लेके 300 वॉट की होती है, और यदि हम अपनी बैटरी की कैपेसिटी की बात करें तो किसी भी बैटरी का 80 to 90%
परसेंट ही हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपके घर में 150 एम्पीयर की बैटरी है और आप समझना चाहते हैं कि आपका यह बैटरी कितने घंटे तक बैकअप देगी, तो 150 एम्पीयर को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग ये 1800 वाट की स्टोरेज बनती है। अब 1800 का हम 80% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1400 से लेके 1500 वाट तक की बनती है। तो यहाँ पर जब हम लोड 200 वाट का चलाएंगे तो 7 घंटे का आएगा, यदि हम 300 वाट का चलाएंगे तो 5 घंटे का आएगा, यदि हम 400 वाट का लोड चला रहे हैं तो हमें 3 से 3.5 घंटे मैक्सिमम 4 आवर्स का बैकअप मिलेगा। अब बात आती है कितने कैपेसिटी का बैटरी हमारे घर के लिए उपयोगी होगा। देखिए मार्केट में अभी जो बैटरी उपलब्ध है, यदि रेसिडेंशियल की हम बात करें तो 80 AH से लेके 200 AH या 220 AH की बैटरी मार्केट में उपलब्ध है। एवरेज घरों की जरूरत को समझे तो लगभग 150 एम्पीयर बैटरी की जरूरत होती है जिससे वो घर के जरूरत के उपकरण जैसे कि बिजली जाने के बाद चला सकते हैं तो लगभग उस पर चल जाएगा। यह तो हो गया जरूरत के हिसाब से, लेकिन बैटरी के सिलेक्शन इन्वर्टर के हिसाब से भी किया जाता है। यदि आपके पास इन्वर्टर हैवी कैपेसिटी का है उसमें बैटरी सिलेक्शन बैटरी रिकमेंडेशन दिया हुआ रहता है कि इस इन्वर्टर के साथ इतना AH से लेके इतना AH की बैटरी ही सपोर्ट करेगा तो आपको उस पर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोडक्ट की लाइफ हमेशा माइंड में रहती है, तो यहाँ पर हम जो बैटरी खरीदने जा रहे हैं ये एक इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इससे आपके घर के कंप्यूटर पंखा मोबाइल CCTV कैमरा इंटरनेट इन सभी से आपका काम होता है। जो बैटरी की लाइफ होती है 2 साल से लेकर लगभग 5 साल 6 साल की बैटरी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन जनरली 3 साल और 5 साल की बैटरी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बैटरी कितने साल तक चलेगी। यह बैटरी की लाइफ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। ये बैटरी मार्केट में 3 टाइप की टेक्नोलॉजी का अभी उपलब्ध है, फ्लैट प्लेट ट्यूबुलर और लिथियम। फ्रेंड्स अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है बैटरी खराब क्यों होता है, तो बैटरी खराब होने के पीछे 2 ही रीजन निकल के आया है, ओवर चार्जिंग और ड्राई सेल में बैटरी को चार्ज हो जाना। ओवर चार्जिंग कब होता है, ओवर चार्जिंग जनरली आज के इन्वर्टर इतना स्मार्ट है कि उसमें हर फंक्शन अवेलेबल रहता है। जनरली बैटरी की जो लाइफ होती है यदि आपके बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट से नीचे आता है तो ऑटोमेटिक वो दिखा देता है लो बैटरी, और जब बैटरी की वोल्टेज 14 वोल्ट से ऊपर जाता है तो दिखा देता है फुल बैटरी, और जनरली 12 और 14 के बीच में बैटरी रहता है तो चार्जिंग का इंडिकेशन दिखते रहता है। जब इन्वर्टर का कंट्रोलर खराब हो जाता है तो वहां पर प्रॉब्लम ये होता है कि चाहे चार्जिंग कम देने लगता है या चार्जिंग बहुत ज्यादा देने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि बैटरी का जो सेल है वो हीट हो जाता है, और जैसे जैसे ज्यादा चार्ज होने लगता है तो उसमें जो बैटरी की जो प्लेट में जो ऑक्साइड लगा हुआ दिया जाता है वह धीरे धीरे पिघल कर नीचे गिरने लगता है और ओवरऑल बैटरी हो जाती है वो खराब। अब दूसरा सिचुएशन ये होता है कि ड्राई सेल में मतलब बैटरी में पानी नहीं है और वह चार्ज हो रहा है। जनरली बैटरी मैन्युफैक्चरर बैटरी में इंडिकेटर दे के रखते हैं जिससे आपके वाटर लेवल पता चलते रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि किसी केस में बैटरी की नज़र लीड एसिड में किसी को पड़ती नहीं है तो वहाँ पर बैटरी क्या होता है उसमें पानी सूख जाता है, सूखने के बाद फिर भी जब भी चार्जिंग हो रहा है तो उसमें समझ लेते हैं कि वो बैटरी एकदम कंप्लीटली खराब हो जाएगा। यह वीडियो देखने के बाद अभी भी आपके माइंड में बैटरी के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप जानना चाहते हैं। यदि आप भी अपने इन्वर्टर के लिए या किसी ऐसे प्रोजेक्ट्स, स्कूल प्रोजेक्ट्स या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें आपकी बैटरी का यूज है और अपना खरीदना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.loomsora.com और अपने नजदीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। We'll be right back.